distributors, our animal city, in which city in this time? Definitely Lahore. I know. And do you know about the main slogan of Lahore? Not very. Could you help me? Yeah, Lahore, Lahore. आपको दिखाएंगे लॉन्जी है क्या और आज जो इसका इवेंट है वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है. आपको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा रहते हैं और इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें बहुत जरूरत है सोलर पैनल्स की. तो लॉन्जी ये कंपनी है जो कि सोलर पैनल प्रोवाइड्स कर रही है. ये इसका प्रोजेक्ट केस है, प्रोजेक्ट शोकेस जो आपको नजर आएगा कि इसकी लोकेशन है फरूकिया साइट, चकवाल साइट, हतार साइट एंड कलर का हार और ये 50 प्लस मेगावाट पे काम कर रहा है और रियून एनर्जी लिमिटेड जो है वो इसकी है. 540 वाट जो है इसके सोलर पैनल्स हैं और इसकी लोकेशन यानी कि पेशावर में भी है. ये इनके न्यू प्रोजेक्ट शोकेस हो रहे हैं और अभी हम चल के बात करेंगे आगा माजी साहब से जो कि डायरेक्टर हैं इस लॉन्जी के, पाकिस्तान में डायरेक्शन कर रहे हैं. इसके अलावा उनकी जो मेन हेड है लॉन्जी की जो कि आउट ऑफ कंट्री से आई हुई है, फॉरनर है, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस इवेंट में उन्हें कैसा लग रहा है, पाकिस्तान आके उन्हें कैसा लग रहा है. और बेसिकली हमारा मकसद ये है कि सोलर पैनल्स का पाकिस्तान में इस वक्त किस कदर यानी कि उसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी क्या है और आगे जाके इसका क्या फ्यूचर उनको नज़र आ रहा है. तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं आज का प्यारा सा इवेंट लॉन्जी का और प्यारी प्यारी बातें करते हैं और फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगता है. फिर मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ आगा माजिद साहब के साथ मौजूद हूँ जो कि यहाँ पे इनकी मेन डेजिग्नेशन है सर, डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ लॉन्जी पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं. सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ है और ईयरली आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो हुई है तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे. लॉन्जी सोलर पैनल मैनुफैक्चर है जो सोलर पैनल बनाता है और इस टाइम पे लॉन्जी सोलर लार्जेस्ट सोलर पैनल मैनुफैक्चर है इन इस दुनिया के अंदर. 85 गीगावाट इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और लॉन्जी सोलर हम 3-4 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं जैसा सोलर पैनल सप्लाई करते हैं, सिर्फ सोलर पैनल्स. अब लॉन्जी सोलर डिवर्सिफाइड कर रहा है तो अब हम कंप्लीट एक्सेसरीज भी सप्लाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर. तो सर आपका जो यहाँ पे जिस तरह से आप चाहते थे पूरा साल अपना एक आपने बेस्ट दिया है तो आपने, आपको लगता है कि आप उस आउटपुट पे मजीद आगे बेस्ट जाएंगे, ये आपका फुल बेस्ट था सोलर पैनल्स में लॉन्जी के, इन टर्म्स ऑफ लॉन्जी की बात करें. हाँ लॉन्जी सोलर क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है सोलर पैनल्स की होगी और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है तो ये इनोवेशन के साथ ड्राइव होती है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्टॉप करेगी तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं ला सकती. तो लॉन्जी सोलर भी अपनी हाई एफिशेंट मॉड्यूल्स है वो लॉन्च करता रहता है तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंपनी है तो ये इम्प्रूव करती रहेगी, इनोवेट होती रहेगी, R&D के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हाई एफिशिएंट मॉड्यूल आएंगे तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है. तो सर आपका पाकिस्तान में एज ए लॉन्जी कोई बेस्ट मैसेज हो? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस टाइम पे ऑलरेडी लॉन्जी क्योंकि सोलर पैनल्स की और सोलर इंडस्ट्री की काफ़ी अवेयरनेस होगी, पहले ये नहीं था केस. अगर आप 5 साल पहले 6 साल पहले देखें उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब ऑलरेडी ऑलरेडी सोलर पैनल्स की और सोलर एनर्जी जनरेशन की नॉलेज ऑलरेडी काफ़ी वाइड स्प्रेड है, हर किसी को पता है और टेस्टेड टेक्नोलॉजी है कि सोलर पैनल लगाऊंगा मैं जनरेट करूँगा. तो इवन जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें भी आइडिया है कि यार ये प्लेट लगती है इसे लगाऊँ तो मैं जनरेट करूंगा मेरा पंखा चल जाएगा. तो अब इवन दो सच एज अवेंट हाँ ज़रूरत ऑलरेडी बन गई और काफ़ी लोड भी इससे कम हुआ हमारी एनर्जी ग्रिड्स में और अभी इसका जो फ्यूचर है वो यही है कि ये जिस तरह टेक्नोलॉजी आती रहेगी ये प्राइजेस वाइज इकोनॉमी ऑफ स्केल में डाउन जाएंगे उतनी ज़्यादा अडोप्शन हो जाएगी, आपके जो नीचे सेगमेंट है लोअर सेगमेंट उनकी भी अडोप्शन हो जाएगी. हेलो हेलो मैम योर नेम? आई एम जोई. एंड योर डेजिग्नेशन इन दिस कंपनी? लॉन्जी सोलर. ओके व्हाट्स योर expressions and what's your feeling about this event? In fact I'm very excited because this is my first time in Pakistan. Okay. And this is our first our company first time has such a big event here and we invited so many friends here and our distributors, our end users. I'm so excited. Okay, so you know you are in which city of Pakistan? Do you know the name of city, in which city in this time? Definitely Lahore, I know. And do you know about the main slogan of Lahore? Not very. Could you help me? Yeah, Lahore, Lahore.
थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू जी. वीवर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमान ताहिर, जिनको इस ईयरली जो यहाँ फंक्शन है उसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया. इनसे इनकी फीलिंग्स का अंदाजा लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको बहुत ज्यादा, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी थोड़ी सी वो फर्स्ट प्राइज वाली फीलिंग शेयर करें, क्योंकि तो स्कूल टाइम में शेयरिंग होती है ना, और अपनी जॉब में आपकी क्या फीलिंग्स है? एवरीबॉडी इज हैप्पी यार, क्यों नहीं खुश होता, तो खुशी होता है कि दे गेट द फर्स्ट देन इज हैप्पी. नहीं सर, वैसे आपको एक्सपेक्टेशंस थी? एक्सपेक्टेशन आई डिडंट थिंक सो कि यार ये फर्स्ट होगा. लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया है. हां ये मुझे मालूम था आया, लेकिन ये नहीं मालूम था दे फर्स्ट वन. हां पर कोई पोजीशन का इनको अंदाजा था, अपना बेस्ट दिया था और फर्स्ट पे तो फिर दिल की खुशी और होती है. तो सर किस किस को ट्रीट दे रहे हैं? किस किस आपको ट्रीट देते हैं? ट्रीट तो बनती है ना. ट्रीट तो बनती है जी. अब देखते हैं किन किन दोस्तों को देते हैं. सर अभी कुछ न्यू आप लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हो, उस बारे से आप थोड़ी सी बात करें. ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, इसकी आई नॉट स्टडी थी वो कैसा है. I will study then I can take the books then study then I can think so that how is that. But अगर दे लॉन्जी कैन होप सो गुड. ओके. और सर कोई आप अपने जो साथी हैं बाकी उनको कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं? एफर्ट करें, हर आदमी एफर्ट करें, सबसे बेस्ट है. तो यहाँ पे आके खड़ा हो और उसको भी फर्स्ट मिले. हाँ एवरीबॉडी 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 ट्राई. तो आप इंसान मेहनत करें तो देन अल्लाह हर एक को देता है. जी व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर चौहान साहब, जो कि सीईओ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में, एटॉमिक ऑन एनर्जीज, एटॉमिक ऑन एनर्जीज में. अच्छा सर बड़ा खूबसूरत इवेंट है लॉन्जी का यहाँ पे हुआ. बेसिकली पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि इस तरह की कंपनीज की पाकिस्तान को ज़रूरत भी है. तो आपके ख्याल में इसका नेक्स्ट आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान? देखिए सोलर सिस्टम के हवाले से या सोलर एनर्जी के हवाले से, रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से इसका फ्यूचर पाकिस्तान में तो बहुत ब्राइट है. और बहुत से लोग ख़ासतौर पे जो दूसरे बिजनेस से ताल्लुक़ रखते थे वो कन्वर्ट करके अब सोलर इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और इस बिज़नेस को जिस तरह इसके ऊपर टैक्सेस और दूसरी चीज़ें जो इम्प्लीकेट हुई जिसकी वजह से ये उस तरीके से आगे नहीं जा रहा, तो ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. और गवर्नमेंट को इट नीड, ऑफ कोर्स इट नीड रिक्वायर्ड सपोर्ट. जी जी. यहाँ पे किस हवाले से आपने शिरकत किया? मैंने यहाँ पे एनर्जी अपडेट मैगजीन, हमारा मंथली होता है, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हियर. वो फॉर पाकिस्तान और इंटरनेशनल? वो पाकिस्तान एज वेल एज वो सर्कुलेट इंटरनेशनल कॉपी एज वेल. तो सर आपको लॉन्जी का जो ये सारा इवेंट है उसमें आपको नेक्स्ट क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखिए लॉन्जी की हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और हमें ये देखना होता है कि जिस कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, प्रोडक्ट एफिशिएंट भी होती है और कंज्यूमर्स के लिए भी लाइकिंग होती है, कंज्यूमर उसको प्रोसेस करते हैं. लेकिन ये है कि आप देखें कि हमारी कंट्री में पावर की जो कंजम्पशन है वो आप देखें कि 9-10% पर एनम बढ़ रही है. और अगर हम हाइड्रल पावर पे भी करते हैं तो 8-10 साल लगते हैं किसी भी हाइड्रल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए. और अगर आप थर्मल पावर की बात करते हैं तो उसके लिए ऑयल इंपोर्ट होता है, और ऑयल आप पता नहीं, अब मुझे तो कैलकुलेशन बजट की इतनी, लेकिन इतना कहते हैं जी 12-13 बिलियन तो सर्दियों में डॉलर में इंपोर्ट होता है और 18-19 गर्मियों में. अब ये सारा बर्डन वहाँ पर पड़ रहा है ना, हम डॉलर्स को भेजते हैं बाहर, वहाँ से ऑयल लेते हैं और अपना फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. अगर हम इसको सोलर की तरह जाएँ और कॉस्ट इफेक्टिव की तरह जाएँ, एफिशिएंट की तरह जाएँ, तो ये अच्छी बात है. पाकिस्तान में और भी चाइनीज़ कंपनियाँ, ये इन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें बहुत ज़्यादा हमें बताया गया है कि स्कोप भी है और एफिशिएंसी एनुअली 10-12% बचा सकते हैं. प्लस इसके अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की है, मोनोक्रिस्टलाइन पीवी का कॉन्सेप्ट दिया है, और हो सकता है बाकी लोग भी रिसर्च कर रहे हो, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इसकी लोग करें. कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, और मैंने यहाँ उनसे कहा भी है तो वो कह रहे इतना कॉस्ट का वेरिएशन नहीं होगी, पे बैक हमें जल्दी मिलेगा इसका. थैंक यू सो मच सर. थैंक जी व्यूअर्स. तो उम्मीद करती हूँ कि लॉन्जी का खूबसूरत इवेंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और सोलर पैनल के हवाले से एक अच्छी जो हमारे मुल्क में एक इजाफा है, और जैसा कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि इसको गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट मिल जाए तो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है. तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.